Hello students, welcome back to our YouTube channel Alisha Maths Classes. So today I am going to start exercise 7.3 of class 12th, chapter number 7, integration. In our previous video we have discussed exercise 7.2. So if you want to see the solution of that chapter, exercise 7.2, then please click on the I button. You can see the description over there. And those who want to see the introduction part of this chapter number 7, integration, they can see the link in the description box. It is given in the description box. Please click over there to see the complete introduction of this chapter 7, integration, as well as the solution of exercise 7.1 and complete solution of 7.2 also. So without wasting the time, let's start now. So students, this is question number 1 of exercise 7.3, that is integration of sine square 2x plus 5. तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस के इंटीग्रेशन किए उसमें आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल है, मीन साइन थीटा है या फिर कॉस थीटा है. यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की मतलब साइन थीटा की पावर है स्क्वायर या क्यूब. तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 से इन क्वेश्चंस में जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वी विल जस्ट यूज दैट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो please see now how to do these type of question. First of all, जो यहाँ पे थीटा है वो थोड़ा सा हमारा एक सिंगल वेरिएबल में नहीं है, तो ये जो एक्सरसाइज है एक्चुअल में पिछले साइज एक्सरसाइज का भी कम्बिनेशन है. पिछले एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको 2x plus 5 को t सपोज कर लेते हैं. उसके बाद यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को, तो x का डेरिवेटिव dx आ जाएगा और t का डेरिवेटिव dt आ जाएगा. यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 dt. ये वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह आ जाएगा t और dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 dt. 1/2 इज ए कॉन्स्टेंट, सो यू कैन टेक इट आउटसाइड. नाउ प्लीज़ रिमेंबर द फॉर्मूलाज यू हैव लर्नड इन क्लास 12th, क्लास 11th चैप्टर नंबर 3, वहाँ पे आपने पढ़े हुए हैं ये फॉर्मूले साइन स्क्वायर थीटा और कॉस के थीटा के लिए. आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos² x माइनस 1, और एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने कॉस 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin² x. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों फॉर्मूला से आप cos² x और sin² x की वैल्यू निकाल सकते हो. यही वैल्यूज निकाल के हमने यहाँ पे पुट करनी है. तो अभी हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 - cos² x / 2. इसको इधर शिफ्ट करेंगे और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 - cos² x आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा. तो ये तो बहुत सिंपल है, ये 12th का 11th का काम है. तो हम इसकी वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं. 1/2 इज ए कॉन्स्टेंट, सो यू कैन टेक इट आउटसाइड. साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - cos 2t / 2 dt. नाउ अगेन 2 इज ए कॉन्स्टेंट, सो टेक इट आउटसाइड. जितने कॉन्स्टेंट आप उसको बाहर निकालते जाओ और इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2t dt. नाउ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t, ये क्या आ जाएगा t, और कॉस t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t, यानी कि साइन 2t अपॉन में. यहाँ पे सिंपल सा मैंने आपको मेथड बताया था कि अगर x या y के साथ जो कॉफिशियंट है वो अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ पे जो इसका कॉफिशियंट है वो 2 है, टी के साथ कॉफिशियंट क्या है 2 है. देखिए ये क्यों आया है नीचे, क्योंकि जैसे डेरिवेटिव में जब आप करते हो तो प्रोडक्ट रूल से 2t का भी डेरिवेटिव करते हो तो वहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में आता है, और इंटीग्रेशन में सब कुछ रिवर्स प्रोसेस होता है, तो वहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में आता है, इसलिए यहाँ पे 2 डिविज़न में आएगा. तो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट क्या ट्रिक है, सिर्फ जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो भी कॉफिशियंट लगा हुआ वो अपॉन में आ जाता है, लास्ट में बस आप टी की वैल्यू को पुट कर दोगे तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है. टी की वैल्यू है 2x + 5 - sin 2 × 2x + 5/2 + c.
ये हमारा आंसर है। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, बट ये फाइनली आंसर है। ओपन भी करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, 1/4 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 4 टू द 8 इंटू साइन 2 इंटू 2 विल बिकम 4x प्लस 2 5 द 10। तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है, ये प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 4x। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पे दोनों एंगल्स क्या हैं, डिफरेंट है। अगर एंगल सेम होते तब हम कुछ फॉर्मूला बना सकते थे, पर यहाँ पे डिफरेंट है। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, अगेन आई एम मूविंग ऑन टू 11th क्लास, तो वहाँ पे आपने फॉर्मूला इस टाइप के पढ़े हुए हैं, 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी। तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देख लीजिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं जनरली जो बड़ा एंगल है उसको आगे ले लेंगे और जो छोटे वाला है उसको पीछे ले लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे बस कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो कॉस 4x इंटू साइन 3x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 कॉस ए साइन बी। तो 2 कॉस ए साइन बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 2 कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पढ़े हैं, वहाँ से हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ए यहाँ पे हमारा 4x है और बी यहाँ पे मेरा 3x है, तो साइन ए प्लस बी ये आ जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए, यहाँ पे क्या है 4x, बी यहाँ पे क्या है 3x। तो सबसे पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ इट बिकम्स साइन 4 प्लस 3 हो गया 7x और 4 माइनस 3 हो गया x। तो अब आप देख सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी हो चुका है हमारे लिए। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, वैसे साइन 7x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 7x। और मैंने आपको बताया है कि सिंपल सा शॉर्टकट है, क्या है, आपको जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यानी कि डिवीजन में आएगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लीकेशन में आता है। तो इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, इसीलिए क्या आएगा, डिवीजन में। साथ में साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे, माइनस 1/14 कॉस 7x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज आर आंसर, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया जिसमें साइन की 2 टर्म्स साइन था एक कॉस था, यहाँ पे तीनों के तीनों कॉस मल्टीप्लिकेशन में है और तीनों के एंगल्स डिफरेंट है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे भी वही ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो वहाँ पे भी यहाँ फॉर्मूला यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला होता है वो 2 टर्म्स से अप्लाई होता है, यहाँ पे 3 टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी कहा है कि जब भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करो कि बड़े वाला एंगल आगे लिख दो और छोटे वाला पीछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन में आपका एंगल कभी नेगेटिव नहीं आएगा और कुछ नहीं है। तो अभी आपका फॉर्म बन चुका है 2 कॉस ए कॉस बी। अभी तक हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं किया, सिर्फ हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जो कि 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 कॉस ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा कॉस 6x प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा 2x। साथ में हमारा मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है कॉस 6x dx।
क्लियर अभी तक हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं की, सिर्फ इलेवेंथ क्लास के कॉन्सेप्ट यूज़ करे हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस सिक्स एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स डी एक्स प्लस वन बाय टू इंटू दिस आ जाएगा वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स आ जाएगा, कॉस सिक्स एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स। मतलब हमने मल्टीप्लीकेशन करके टर्म्स को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब फिर से देखिए यहाँ पे आपका आ चुका है एक तरह से कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन नंबर वन करवाया जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन भी होता है और वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स भी होता है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकालूँ तो क्या आएगा, माइनस वन मदा के प्लस वन हो जाएगा और इसका जो 2 है वो डिवीज़न में आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, 1 प्लस कॉस टू इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है 6x, एक्स मतलब हमारा थीटा, थीटा यहाँ पे मेरा क्या है 6x अपॉन में 2 dx प्लस 1/2। यहाँ पे ध्यान से देखें तो फिर से कॉज ए कॉस बी टाइप का बन रहा है, कॉज ए कॉस बी पे हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो यहाँ पे हमें फिर से वही स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो हमारे पास फिर से ये 2 कॉज ए कॉस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसको इवेलुएट करते हैं, ये जो 2 है नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर आ जाएगा, 1/4 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 6x हो जाएगा 12x dx प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस ए कॉस बी बन गया जिसका यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला यूज़ करते ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, 6 प्लस 2 बन जाएगा 8x प्लस कॉस ए माइनस बी, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4x dx। तो ये आ गया फाइनली। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और cos 12x का क्या हो जाएगा sin 12x, क्योंकि cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, लेकिन साथ में x का कोफिशियंट 12 है तो वो क्या आ जाएगा अपॉन में प्लस 1/4 एज इट इज़। सेम cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 8x अपॉन में क्या आ जाएगा 8। फाइनली cos 4x का इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा sin 4x अपॉन में 4 प्लस फाइनली द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब बस आपने इसको ओपन कर देना है, 1/4 इंटू एक्स आ जाएगा, एक्स बाय 4 प्लस 4 इंटू 12 हो जाएगा 48, सो आ जाएगा साइन 12x अपॉन 48 प्लस 4 इंटू 8 हो जाएगा 1/32 साइन 8x प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये 4 है हमारा, 1/16 साइन 4x प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो सबसे पहले हमारा जो थीटा है उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए 2x प्लस 1 को क्या सपोज कर लेंगे t, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 dx किसके इक्वल आ जाएगा dt के, और यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 dt। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, dx की वैल्यू है 1/2 dt, जब आप पुट करेंगे तो 1/2 को आप बाहर लिख सकते हो, ये आ गया 1/2 dt और ये साइन क्यूब इसकी वैल्यू आपने पुट करी है t। अब साइन क्यूब t को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, साइन स्क्वायर t इंटू साइन t dt। क्लियर? अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे आप इस फॉर्म में ला सकते हो फंक्शन उसको और साथ में उसका डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है फंक्शन लाने के लिए आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर टी को क्या पुट कर दोगे 1 - cos² t। ऐसा इसलिए किया क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे cos t को अब नया t वेरिएबल आप पहले ही पुट कर चुके हो, अब नया कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। इसमें हमने दो बार सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करा है, तो cos t को क्या सपोज कर लेंगे y, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ से माइनस साइन t dt किसके इक्वल आ जाएगा dy के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा साइन t dt पड़ा हुआ है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ से क्या ले आऊँगी
माइनस डी वाई। तो जब हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस वन बाई टू बन जाएगा, और ये अंदर बन जाएगा वन माइनस कॉस टी को आपने क्या यूज़ करा है, वाई। तो यहाँ पे जब आप वाई डालोगे तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर। और साइन टी डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस डी वाई। तो माइनस तो बाहर रह गया, सिर्फ क्या रह जाएगा, डी वाई। तो देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ चुका है। इसको हम ओपन कर देंगे, माइनस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। तो अब आप लोगों को पता है कि इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है। वन बाय वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना आ जाएगा, वाई, और साथ में वन बाय टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ जाएगा, वाई क्यूब अपॉन थ्री। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एस टू पर एन इज इक्वल टू एक्स एस टू पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो वाई रेस टू पर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन कितना आ जाएगा, वाई रेस टू पर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी विच इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपका जो क्वेश्चन था वो x के फॉर्म में था और हमारा आंसर y की फॉर्म में आया, तो हमें x के फॉर्म पे लेके जाना है। तो हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। देखिए y आया है, y की वैल्यू आपने क्या यूज़ की थी, cos t। तो जहाँ पे भी y है वहाँ पे y की वैल्यू को आप cos t पुट कर देंगे। तो आ जाएगा cos t प्लस टू इंटू थ्री हो जाएगा सिक्स, और यहाँ आ जाएगा cos क्यूब t प्लस सी। अभी भी आंसर आपका x की फॉर्म में नहीं आया, तो अब क्या करना है, फाइनली आपने t की वैल्यू पुट करनी है। तो क्वेश्चन में चले जाइए सबसे स्टार्टिंग वाले स्टेप पे, जहाँ पे t की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, 2x प्लस वन। सो ये आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई टू इंटू कॉस टू एक्स प्लस वन प्लस वन बाय सिक्स इंटू कॉस क्यूब टू एक्स प्लस वन प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हमने कैसे करना है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए थीटा आपका सिंपल ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको पहले ब्रेक कर दीजिए, साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर को भी हम कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये वाला जो कॉस क्यूब एक्स है इसको आगे लिख लो और ये साइन एक्स डी एक्स को पीछे लिख लो। आई होप सो कि आपके हाई माइंड में इस स्टेप पे आइडिया आ चुका होगा कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मुझे कॉस फंक्शन मिल रहा है और कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन की फॉर्म में आ जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव की फॉर्म में ले आए सिंप्लीफाई करके। अब हमने कुछ नहीं करना यहाँ पे, बस कॉस एक्स को क्या सपोज कर लेना है, टी। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्योंकि क्वेश्चन में साइन एक्स डी एक्स पड़ा है तो मुझे माइनस नहीं चाहिए, मैं इस माइनस को यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ। क्लियर है, बस अब इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, वन माइनस कॉस एक्स की वैल्यू टी है तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू टी है तो ये आ जाएगा टी क्यूब, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा डी टी। देख लीजिए ध्यान से, कॉस एक्स को हमने टी डाला है, जहाँ पे भी कॉस एक्स है उसकी जगह टी आ जाएगा और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू है माइनस डी टी। इसको ओपन कर देंगे, टी क्यूब इंटू टी वन आ जाएगा टी क्यूब माइनस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा टी रेस टू पावर फाइव डी टी। तो इसका नेगेटिव हम अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, टी रेस टू पावर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये किस में हो जाएगा, माइनस में। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, टी रेस टू पावर फाइव का टी रेस टू पावर फाइव प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन, यानी कि टी रेस टू पावर सिक्स बाय सिक्स। ऐसे ही यहाँ पे टी रेस टू पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, यानी कि टी रेस टू पावर फोर बाय फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। फाइनली हम टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, टी की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, कॉज एक्स, तो यहाँ कॉज रेस टू पावर सिक्स एक्स अपॉन सिक्स माइनस कॉज रेस टू पावर फोर एक्स अपॉन फोर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे, प्लीज़ नोट डाउन।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन टू एक्स, साइन थ्री एक्स डी एक्स. तो इस क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी अभी हमने जो थर्ड क्वेश्चन की तरह किया है, वहाँ पे सारे कॉस में थे तीनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे तीनों टर्म्स क्या है साइन में है मल्टीप्लीकेशन में. तो बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे हम. यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे. तो आपको मैंने कहा था फर्स्ट टू कम्स टर्म्स को हमने वहाँ पे जैसे कंबाइन किया था, यहाँ पे भी हम फर्स्ट टू टर्म को कंबाइन करेंगे और कोशिश करेंगे जो बड़े वाला एंगल है उसको आगे लिख लेंगे और जो छोटे वाला एंगल है उसको पीछे लिख लेंगे. सिर्फ अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए ईजी हो जाएगा था. मल्टीप्लीकेशन में आप आगे लिख सकते हैं आगे पीछे. अब ये किस फॉर्म में आ चुका है, 2 साइन ए साइन बी. तो अगेन यहाँ पे हमें 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है. 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी. ये फॉर्मूला आप 11th क्लास में वहाँ पे पढ़ के आए हुए हैं. तो इस एक्सरसाइज के लिए बेसिकली आपको चैप्टर नंबर क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 के बेसिक्स और साथ साथ फॉर्मूलेस दोनों आने चाहिए. सो देखते हैं हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो पहला आ जाएगा कॉस ए माइनस बी करेंगे तो 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, x. माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 2x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 3x. तो हमने ये फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करके ये टर्म ले आए हैं. साथ में हमारा चल रहा है साइन 3x dx. तो ये हमारा इतना तो आ चुका है. अब हमें क्या करना है, इसको फिर से ओपन करके मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे. तो जब हम ओपन करेंगे तो कॉज एक्स इंटू साइन थ्री एक्स कितना आ जाएगा, साइन थ्री एक्स कॉज एक्स डी एक्स माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉज थ्री एक्स इंटू साइन थ्री एक्स कितना आ जाएगा, साइन थ्री एक्स कॉज थ्री एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं. तो सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये साइन थ्री एक्स कॉज एक्स आ चुका है. तो फिर से इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फिर से हमारा ये फॉर्म बन जाएगा 2 साइन ए कॉज बी. और यहाँ पे भी हमारा क्या है, साइन ए कॉज ए है. साइन ए कॉज ए से आपको याद आ रहा है साइन 2a का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें 2 चाहिए. तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. तो ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन. अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है क्या बन रहा है, 2 साइन ए कॉज बी. तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 साइन ए कॉज बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कॉज बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. अगेन 11th क्लास 3rd चैप्टर, हर क्वेश्चन में यही कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं. तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x. प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो 3x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 2x डी एक्स. 1/2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, 1/4. और ये फॉर्मूला तो आपको बहुत ही सिंपल लग रहा है, 2 साइन ए कोज ए. तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x. वहाँ पे अपने x की फॉर्म में पढ़ा हुआ है साइन 2x होता है 2 साइन x कॉज x, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल सेम है तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 इंटू एक्स. एक्स यहाँ पे क्या है, 3x. तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में. आपको दिख रहा है 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है. पूरे में से आप कॉमन ले लो और सारी इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर दीजिए. तो साइन 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस ये 1/4 तो कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ माइनस ये साइन इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 3x कितना बन जाएगा, साइन 6x dx. तो ये मेरा आ चुका है. अब आपने बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है. तो इंटीग्रेशन करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉज x. तो ये आ जाएगा माइनस कॉज 4x और x का कोफिशिएंट क्या है, 4. बस ऐसे ही लिखते रहना आपने. सेम ऐसे ही साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉज x, x यहाँ पे क्या है, 2x अपॉन में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो याद आएगा माइनस कॉज 6x अपॉन में x का कोफिशिएंट क्या है, 6 प्लस c. ये आ गया फाइनली, इसको बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे
तो ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो प्लस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू कॉस 6x माइनस 1/4 इंटू कॉस 4x और ये आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x dx। अगेन इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बार बार आए जा रहे हैं, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। साइन ए साइन बी की फॉर्म का है, तो हमें वही पिछले स्टेप्स 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और कोशिश करना। मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लीकेशन में है तो बड़े वाला जो एंगल है 8x बड़ा है उसको आगे लिख लो, 4x पीछे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन में एंगल माइनस में नहीं आएगा इस केस में। अब ये किस फॉर्म का बन चुका है, 2 साइन ए साइन बी, जिसका फॉर्मूला भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। क्या फॉर्मूला बताया है, 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। सो कॉज ए माइनस बी यानी कि 8x माइनस 4x माइनस कॉज ए प्लस बी यानी कि 8x प्लस 4x, और ये पूरे के बाहर हमारा dx चल रहे हैं। तो फाइनली हमारा ये सॉल्व होके आ गया है, कॉज 8x माइनस 4x हो गया है 4x और 8x प्लस 4x हो गया है कॉज 12x। अब तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन चुका है, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ मेरा 4x है और अपॉन में मैंने आपको बोला कि जो x का कोफिशियंट है वो अपॉन में आएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही सेम यहाँ पे कॉस थीटा 12x है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा आएगा यानी कि साइन 12x अपॉन में x का कोफिशियंट है 12 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा ना ही वो साइन ए साइन बी कुछ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंगल नहीं दिख रहा है, ना कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो डेफिनेटली हमें इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अभी अभी मैंने आपको कॉज 2x का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और कॉज 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ये सारे आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो देखना मैं वो 1 माइनस कॉज एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला ले आऊँगी यहाँ से, इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पे ले आएंगे, सिर्फ ये फॉर्मूला है, हालांकि आपने ये पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। तो ये आ चुका है हमारा 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ 1 माइनस कॉज एक्स और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x, वहाँ पे जो एंगल है वो x है और यहाँ पे जो एंगल है वो 2x है, मुझे एंगल का हाफ चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड एंगल का हाफ कर दूँगी, एंगल मेरा x है इसका हाफ करेंगे तो x बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा एंगल 2x है, 2x का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा x। तो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाता है 1 माइनस कॉज एक्स का। आपने ये फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जिसमें लास्ट क्वेश्चन में हमारे ये क्वेश्चंस में यही वाले फॉर्मूले बिल्कुल सेम यही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। आप रेफ़र कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन, उसमें हमने यही फॉर्मूले यूज़ किए हुए हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ से इसको माइनस 1 को वहाँ ले जाऊँगी, तो यहाँ 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो अगर मैं फिर से इसको इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे भी मेरा एंगल का हाफ है, एंगल का हाफ करने के लिए मैंने दोनों साइड पे एंगल का हाफ करा, तो 2x का हाफ हो जाएगा x, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल का हाफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बच्चे दोनों फॉर्मूले को अलग अलग समझते हैं और इनको क्रैम कर लेते हैं, एक्चुअल में ये अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, ये यहीं से डिराइव होके आया है, एक ही फॉर्मूला है और यहीं से डिराइव होके आया है। ये सारा 11th का काम था, फिर भी मैंने आपको समझा दिया सो दैट आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो अभी हमने बस कुछ नहीं करना, जिस बच्चे को तो ये क्वेश्चन आता है ना उसके लिए तो एक सेकंड का क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए 1 माइनस कॉज एक्स का अभी अभी फॉर्मूला लिखा आपने, क्या आया है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला आया है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2।
तो टू से टू तो हो जाएगा कैंसल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो नहीं होता है, लेकिन आप हमेशा याद रखना जब भी आपका टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है तो आप इसको सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन में चेंज कर दोगे, तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा यहाँ पे एक्स बाय टू है माइनस वन, क्योंकि आपने टेंथ क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन के इक्वल होता है। तो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, वही फॉर्मूला मैंने यूज़ करा है। एक्चुअल में इलेवंथ का कॉन्सेप्ट तो बस इंटीग्रेशन का है, ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपके टेंथ या इलेवंथ के कॉन्सेप्ट हैं, तो इसीलिए आपके टेंथ और इलेवंथ के बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। बस अब तो आपको पता ही है कि हम अलग अलग कर देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, क्योंकि सबको पता है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है ना, तो यहाँ पे एक्स क्या है मेरा थीटा, यहाँ पे क्या है एक्स बाय टू। साथ में मैंने आपको कहा कि हमेशा कॉफिशेंट नीचे आता है, तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट क्या है, वन बाय टू ना, तो यहाँ आ जाएगा वन बाय टू। माइनस वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी, बस नेक्स्ट स्टेप में जो टू यहाँ डिनोमिनेटर में वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा टू टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस द फर्स्ट एट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.3। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट टू वीडियोस आई विल डिस्कस 8 क्वेश्चंस एज दे आर 24 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज 7.3। सो इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 to 16 ऑनवर्ड्स। So please watch that video also. I hope so that you have liked my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching Alisha Maths Classes.